75 साल से मऊगंज विकास के कार्य में बहुत पीछे रह गया था। यहाँ अगर पहले की बात किया जाए, जैसा अभी आपने बताया कि रीवा तक जाने के लिए सड़क 3-4 से 5 घंटे लग जाते थे, सड़क नहीं थी। अस्पताल की हालत आप पूर्व में भी यहाँ की देखे होंगे, ऐसे कार्य थे जिससे कि मऊगंज बहुत ज़्यादा पीछे रह गया था। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या इस पर कहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि मऊगंज बहुत पीछे रह गया, पर मैं आपको बताता हूं कि इसी रीवा संभाग में बहुत सारी तहसीलें हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो डेवलप हुए। वो कैसे डेवलप हो गए? रामपुर जैसा छोटा सा स्थान डेवलप हो गया, मैहर जैसा स्थान डेवलप हो गया, अमरपाटन जैसा स्थान डेवलप हो गया। अमरपाटन में रामनगर का पूरी जमीन डूब गई बाण सागर में, नया रामनगर बसा करके डेवलप कर दिया गया। हर क्षेत्र डेवलप हो, चित्रकूट डेवलप हो रहा है, हर एरिया डेवलप होगा। मऊगंज क्यों नहीं डेवलप हुआ? और मऊगंज को डेवलप करने से किसने रोक रखा था? चलो, किसी ने रोक रखा, सरकार आपकी थी, क्यों नहीं डेवलप हुआ? जिला नहीं बना, माल जिला को छोड़ो, हम कहते हैं जिला को एक किनारे के लिए, पर डेवलपमेंट तो हो सकता था, बिल्कुल रोड तो बन सकती थी, बहुत सारे इंडस्ट्री तो लग सकती थी, मगर नहीं। मऊगंज रीवा से लेकर के हन्ना तक की ये जो नेशनल हाईवे सड़क है, इसमें तक नहीं हुआ। और डेवलपमेंट का हम आपको उदाहरण बताएंगे तो आप ताजुब करेंगे। इस हनुमाना से लेकर के रीवा तक की सड़क में इंजीनियर और ठेकेदार जेल तक गए, और जेल इसलिए गए कि उस समय की सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। दिग्विजय सिंह उस समय मुख्यमंत्री थी, यहाँ के एक जज ने एक केस करवाया था कि भाई ये सड़क क्यों नहीं बनी। तब पता चला कि ये तो सड़क 2 बार बन चुकी कागज में, कागज में 2 बार सड़क बन चुकी, और उसकी जब जांच हुई तो ठेकेदार जेल गए। ये भी ये डेवलपमेंट का नमूना है, मतलब लूटो। अब जब 70 साल लूटने से फुर्सत मिले तब तो कुछ करें। लूटने का उदाहरण अभी दिग्विजय सिंह के कार्यकाल तक आपको ये उदाहरण है, ठेकेदार जेल गए, आप पता लगा लीजिए। और वही सरकार जब 2004 में बीजेपी की आती, 3 में और 4 में 5 में जब ये शिवराज सिंह चौहान बनते हैं, यही सड़क बन जाती है। ये क्यों बन गई? दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में तो बिजली की भी समस्या है, बिजली का। आप तो ये स्थिति थी कि आप लगातार 2 घंटे बिजली रहने का कभी उसमें रिकॉर्ड है उन सालों में कि कभी रही। लोग गर्मी में बनियाइन से हवा मांगते हुए रहते रहे, बिजली का कुछ भी नहीं था प्रोडक्शन में, क्या बताऊं। देखिए, अब मऊगंज को आप देख रहे हैं, 5 साल से मऊगंज में लगातार एक्टिव हैं, इससे पहले भी थे लेकिन 5 साल से विधायक हैं। अब इसके लिए आगे आपके मन में कुछ ऐसा है? बिल्कुल नहीं। मेरा मन है, मैंने तय किया है कि ऐसा भगवान मेरे को शक्ति दे और जनता का आशीर्वाद मिले कि एक एक घर में पीने का पानी पहुंचा दूं, एक एक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचा दूं, एक एक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचा दूं, और हमारे बच्चे यहाँ पे ऐसे कॉलेज जैसे हनुमाना में पढ़ने की सब सुविधा हो जाए। इसलिए मैंने तय किया कि यहाँ पे सीएम राइज विद्यालय अभी 2 हैं, मैं इसको और भी विद्यालय जैसे खटखरी हो गए, पिपराई हो गया और हनुमाना हो गया, ऐसे कई जगहों सीएम राइज विद्यालय, तो पढ़ाई की बेहतरीन सुविधा। दवाई के लिए मैंने 100 बिस्तर का अस्पताल मऊगंज स्वीकृत कराया है, जहाँ पे ऑपरेशन की सुविधा लेकर सब होगा, और उसके लिए 43 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। तो एक 100 बिस्तर का जैसे रीवा का अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, उस तरह का अस्पताल बना है। तो पढ़ाई की सुविधा, दवाई की सुविधा, प्रत्येक खेत को पानी, प्रत्येक घर को पानी, ये अगर सुविधा मिल गई तो मुझे लगता है कि आदमी स्वयं सक्षम होता है, इन सब साधनों के बाद आगे बढ़ने में उसको कोई नहीं रोक सकता। बाकी डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इसलिए मेरी इच्छा है कि एक बार ये जो हमारा सोन वाला पानी है, इसको हम किसी तरह ले आ करके यहाँ खेत में दे दें। मेरा उसमें प्रपोजल भी बन गया है, लगभग वो 2000 करोड़ से ऊपर, 3000 करोड़ से ऊपर का वो प्रोजेक्ट है,
और उसमें भी प्रपोजल बन गया, उसकी टेक्निकल स्वीकृत हो गई। टेक्निकल स्वीकृत बोधि देता है, हमारा डिपार्टमेंट है, तो बोधि ने टेक्निकल स्वीकृत भी दे दिया है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि उसको प्रशासनिक स्वीकृत जैसे ही होगी तो हमें फंड मिल जाएगा और वो हमारे को इस क्षेत्र में एक एक घर खेत को पानी मिल जाएगा। ये मेरा लक्ष्य है, उसमें सफलता कितनी मिलती है ये होगा। फिर इसके बाद मैंने तय किया है कि मैं यहाँ पर केंद्र में जाकर के ये बोलूंगा कि हर जिले को आप रेल सुविधा से जोड़ रहे हैं, तो मऊगंज भी जिला बन गया है, अभी तहसील नहीं है। हर जिले केंद्र को रेल की सुविधा देने का आपका लक्ष्य है, तो हमें रेल की सुविधा भी चाहिए। मिर्जापुर रेल लाइन, बिल्कुल, हाँ, रीवा से मिर्जापुर रेल लाइन, इसके लिए भी मैंने तय किया कि मैं इसमें प्रयास करूंगा। बाकी प्रभु की मर्जी है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे पूरा भरोसा है ये काम भी होगा।